मुरादाबाद के मझौला थाना इलाके में चौकी से कुछ ही दूरी पर लूट की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए कुछ दिनों में इसका खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटपाट करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,17,532 नए मामले सामने आए हैं और 491 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के 9,287 मामले सामने आ चुके हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 16.41% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 19,24,051 है। वहीं महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,00,000 से ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,23,990 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,58,07,029 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 160 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 73,38,000 से ज्यादा डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की करीब 170 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी जा चुकी है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बिंदुखत्ता निवासी कुंदर सिंह मेहंता ने नामांकन के पहले दिन 21 जनवरी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वहीं इसी को लेकर कुंदन सिंह मेहंता नामांकन की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि कुंदन सिंह मेहंता पूर्व सैनिक भी हैं और वो लगातार जनता के बीच जनसंपर्क कर अपने समर्थन में वोट करने की अपील लोगों से कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला मुद्दा बिंदुखत्ते को और पूरे विधानसभा में जो भी भूमिहीन लोग हैं उनको मालिकाना हक की लड़ाई है, और बिंदुखत्ते में जो गोला तटबंध हैं वो इन लोगों ने आज तक बनाए नहीं, तो वो तटबंध उनमें दीवार बने और चेकडाम बने। तीसरा, जो अभी तक बिंदुखत्ते के अंदर लाइट नहीं लगी है, लाइट है लेकिन पोल और तार नहीं है, उसकी लड़ाई है, और लालकुआ में मालिकाना हक की लड़ाई है जो अभी तक इतने सालों से ही उनको मालिकाना हक नहीं मिला। चमोली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर की 56 छात्राएं शामिल हैं। सीएमओ डॉक्टर एसपी कुड़ियाल ने नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर के छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर होम आइसोलेट करने को कहा है। उन्होंने बताया कि 56 छात्राओं में से 4 लोगों में ज्यादा सिम्टम्स हैं। सभी छात्राओं का ऑक्सीजन लेवल सामान्य है, जिनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे पास 173 बच्चे हैं, जिनमें कुछ मुझे लगा कुछ सिम्टम्स हैं, तो उनको आइसोलेट करते हुए मैंने जो ACMO डॉक्टर उमा रावत को इन्फॉर्म कर दिया था, तो उन्होंने टीम भेज दी तुरंत, और उनका चेक करने के बाद हमारे 56 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद यहाँ पर तहसीलदार जी आए थे, पटवारी जी आ गए थे, SDM से सर से मेरी बातचीत हो गई है, और CMO सर भी आए हैं। तो CMO सर द्वारा की टीम द्वारा पूरे स्टूडेंट्स का चेकअप कर लिया गया है। तो यहाँ पर टोटल 56 लड़कियाँ हैं जो होम आइसोलेट हमने कर रखा है हॉस्टल के कमरों में उनको, और उसमें से 56 का हमने जाके इंडिविजुअली चेक किया हमारी टीम ने, और हमने तो हमें उसमें से ज़्यादातर लोग जो 56 में से हैं ये सिम्टोमेटिक लगे, और जो 4 लोग हैं उनमें थोड़ा सा सिम्टम्स लगे, फीवर था उनमें और कफ है, उनके नाम हमने नोट कर लिए हैं। उन पर रेगुलर हमारा जो है मॉनिटरिंग रहेगी कि इनके सिम्टम यदि बढ़ते हैं तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, और इनके सिम्टम को कैसे घटाना है उसके लिए भी हमने व्यवस्था कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति के बाद गंगोत्री विधानसभा के मतदान स्थल राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगौरी के स्थान पर अब नया मतदान स्थल राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन टूंडा बाजार लोक शिक्षा केंद्र बीरपुर टूंडा को बनाया गया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए मतदान की तारीख आने वाले 14 फरवरी है। इसी के साथ ही उन्होंने बगौरी के मतदाताओं से मताधिकार का इस्तेमाल करने की भी अपील की है। देखिए, बगौरी के ग्रामीणों की उनके प्रधान के द्वारा तथा कई राजनीतिक दलों के द्वारा ये हमको ज्ञापन दिया गया था कि जो बगौरी के जो मतदाता हैं वो सर्दियों में विंटर्स में डूंडा में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनका बूथ भी वहीं बनाया जाए। इस क्रम में हमने पहले का भी डेटा देखा तो मतदान प्रतिशत काफ़ी कम था, तो इसका प्रपोजल हमने स्टेट में और फिर भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था, जिसकी अनुमति मिलने के बाद अब जो बगौरी के लोग जो डूंडा में प्रवास करते हैं सर्दियों में वो वहीं पर
डुंडा में ही अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। नैनीताल उसके आसपास देर रात से ही मौसम वैज्ञानिक की सटीक भविष्यवाणी के चलते बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट आई है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर घर जल जैसी जनहितैषी योजना की उस वक्त हवा निकलती हुई सामने आई है जब चमोली के बद्रीनाथ विधानसभा के पोखरी विकासखंड में उड़ामाना गांव के एक तोक प्याप पुगड़ी में दलित परिवार को पानी के लिए साल भर जद्दोजहद करने की बात सामने आई। यहां के लोगों ने बताया कि उनके घरों के आसपास हर घर नल हर घर जल के तहत आधे अधूरे नल तो महीनों पहले लगा दिए गए, पर पानी की बूंद उन नलों से आई नहीं और उनको हमेशा ही पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। हमारी सलोनी, हमारे गांव का नाम उड़ामांडा और हमारे यहाँ 1-1.5 महीने से पानी आ रहा है। यहाँ कभी तो हम यहाँ पोखरी गए थे 7 किलोमीटर दूर पानी लेने, और कभी यहाँ देवर भी नहीं आता पानी, और कभी हम वहाँ पागल जाते पानी लेने। एक टाइम तो हम वहाँ बिनगट गए थे पानी लेने, जितने दूर और यहाँ घर में नल लग रखा है उसमें भी नहीं आता पानी। हमारे यहाँ बहुत दूर जाते हम पानी लेने। जल जीवन मिशन वाला पाइप नल नहीं लगा आपके? लग तो रखा है पर उसमें पानी नहीं आ रहा, बहुत दूर जाते हम पानी लेने। अब किसी दिन अगर यहाँ भी नहीं आएगा पानी तो यहाँ देवरखाल भी नहीं आएगा, ये पोखरी भी नहीं आएगा, तो हमने स्टेट बिनगर जाना। हमारे गांव में बहुत टाइम से पानी की समस्या चल रही है और जैसे आजकल भी परेशानी चल ही रही, पर कभी कभी एक महीने में पानी आ ही जाता है। हमें पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, कभी कभी हम गाड़ी बुकिंग करके बहुत दूर दूर तक पानी लेने जाते हैं और गर्मियों में ये समस्या बनी रहती है। और हम तो सबसे पहले पानी की ही बात रखेंगे, पानी की समस्या उनके सामने रखेंगे। अगर वो अभी तो खैर हम चुनाव देने लायक तो हुए नहीं, हम नाबालिग हैं अभी। लालकुआ में ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उपजिलाधिकारी मनीष कुमार ने नगर पंचायत लालकुआ के अधिशासी अधिकारी पूजा टमटा को सख्त निर्देश दिए कि नगर के सभी स्थानों पर अलाव जलाएं, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नगर पंचायत पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में बीती रात चोरी करने आए चोरों ने भागने के दौरान गोली चला दी। वहीं चोरों की तरफ से चलाई गई गोली युवक को जा लगी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर स्थिति गंभीर होने पर युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।